में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे भेज स्प्रिंग रोल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ा सा बीन्स है इसको भी छोटा छोटा काट लिया है, आधा शिमला मिर्च है इसको भी लंबा बारीक काट लिया है, दो गाजर है इसको भी लंबा लंबा काट लिया है, धनिया पत्ता है और बंद गोभी है इसको भी बारीक काट लिया है, नमक है जिसको स्वादानुसार रखेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा अदरक को मैंने क्रश कर लिया है, हरा मिर्च को काट लिया, आधा चम्मच विनेगर लिया है, एक छोटा चम्मच टमाटो सॉस लिया है, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है। डो बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो खाली मैदा का भी बना सकते हैं या खाली गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसको ऐसे मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसको गूंथेंगे। आटा को मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसको ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो रेस्ट ले रहा है तब तक हम लोग इसका स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसमें दो चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हरा मिर्च डाल देंगे, इसको थोड़ा देर भून लेंगे। अब इसमें अदरक भी डाल देंगे, प्याज डाल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए भून देते हैं। अब इसमें बीन और गाजर डाल देते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं और बंद गोभी भी डाल देते हैं। सब्जी में आपको जो पसंद हो डालिए या स्किप करिए। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गोल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसको चला देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे, इसको क्रंची बनाना है, ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि जो भी पानी छूटे तो इसको ऑब्जर्व कर ले। अब इसमें विनेगर डाल देंगे और दोनों सॉस डाल देंगे, टमाटर सॉस और सोया सॉस। अब इसको चला कर इसको बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देते हैं। सॉस डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हटा कर देखते हैं। डो हमारा रेस्ट ले चुका है, फिर इसको ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। अब इसको लोई बनाते हैं इसका। लोई में परथन लगा के इसको बेल लेंगे, बहुत बड़ा नहीं अभी बेलेंगे, बाद में बेलेंगे। इसी तरह दूसरा भी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर तेल लगा देंगे ऐसे चारों तरफ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। अब इसके ऊपर दूसरा जो बेले हैं उसको भी रख देंगे। अब इसको बेल लेंगे, आटा उसके ऊपर थोड़ा लगा देंगे इसको ऐसे। इसको पतला बेलना है, रैपर के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा भी बेल लेंगे, इस पर तेल लगा लेंगे अच्छी तरह चारों तरफ। इस तेल लगा कर इस पर थोड़ा सा मैदा इस पर डाल देंगे, इस पर दूसरा जो बेले हैं उसको इस पर चिपका देंगे और इसको भी बेल देंगे। इसमें पलथल लगा देंगे, इसको पतला बेलना है। इसी तरह बाकी के लोई को भी इसी तरह बना लेंगे। अब मैदा में पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेते हैं, गाढ़ा पेस्ट। तवा को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें जो बेले हैं उसको डाल देंगे। अब इसको पलट देते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं, इसको ज्यादा नहीं पकाना है। फिर दूसरा जो बेले हैं उसको भी डाल देते हैं। इसी तरह सारे रैपर को तैयार कर ले। अब इसको ऐसे करके निकाल देंगे, देखिए कितना अच्छा परत निकल रहा है। अब इसको जो सिका हुआ है उसको इधर रखेंगे, फिर इसके ऊपर ही रखेंगे। इसका भी निकाल लेते हैं, इसी तरह बाकी को जो भी बनाए हैं सबका निकाल लेते हैं। इसका रैपर है देखिए कितना पतला है। अब इसमें स्टफिंग भर लेते हैं, स्टफिंग ठंडा हो चुका है। इसको ऐसे बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे,
ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे लंबा कर लेंगे। इसका जो पेस्ट बनाए थे इसको किनारे किनारे ऐसे लगा देंगे। एक बार इसको ऐसे मोड़ देते हैं, फिर इसमें ऐसे चारों तरफ से अच्छा से लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे, फिर इधर से भी मोड़ देंगे। अब इसको एकदम टाइटली इसको मोड़ लेंगे ताकि ये खुले नहीं। यह हो चुका है, अब दूसरा भी करते हैं। इसमें भी स्टफिंग भर लेंगे ऐसे। एक बार इसको ऐसे मोड़ लेंगे, इसके चारों तरफ जो पेस्ट है इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर इसको ऐसे मोड़ लेंगे, अब इसको ऐसे मोड़ लेंगे। अब एक तरफ से सीख चुका है, अब इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको डीप फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें तेल भी डाल दिया है, यह गर्म हो चुका है। अब इसमें स्प्रिंग रोल को डालेंगे। थोड़ी देर सिकने देंगे इसको। अब एक तरफ से सिक चुका है, अब इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको डीप फ्राई कर लेंगे, आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसको बनने में 3 मिनट का समय लगा है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के स्प्रिंग रोल को भी इसी तरह बना लेंगे। यह भी सिक चुका है अच्छी तरह से, अब बाकी के स्प्रिंग रोल इसी तरह तल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको तिरछा काट लेते हैं ऐसे। देखिए कितना अच्छा स्टफिंग है। इसी तरह बाकी स्प्रिंग रोल को भी काट कर इसको सर्व करने के लिए तैयार। कितना अच्छा भेज स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुआ है। और इसे बनाना कितना ही आसान है, आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। सभी लोग बहुत ही पसंद से खाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।